हेलो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है प्रेगनेंसी में ऐसी कुछ सब्जियां एवं फूड होते हैं उनको अवॉइड करें। ये आपके लिए बहुत ही डेंजर होते हैं आपकी बॉडी के लिए, जिनको आपको अवॉइड करना है। ये बेसिकली बच्चों के लिए नहीं है, मतलब जो महिलाएं प्रेग्नेंट हैं उनके गर्भ में पल रहे बच्चे के लिए नहीं है। यहाँ पर बात कर रहे हैं आपकी कि आप ऐसा क्या खा लोगे जो खतरनाक हो सकता है आपकी बॉडी के लिए, जिनको आपको अवॉइड करना है। तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग? फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताने जा रही हूँ, ऐसे कुछ फूड्स एवं सब्जियां बताने जा रही हूँ जिनको आपको अवॉइड करना है, जो माँ के लिए, बेसिकली माँ के लिए बहुत ही हानिकारक होते हैं, उनको आपको अवॉइड करना है। फ्रेंड्स, हर कोई आपको बताता है, हर कोई वीडियो बनाता है कि आपको ये चीज़ें नहीं खानी है, ये आपके बच्चे के लिए हानिकारक होती हैं, ये डेंजर होती हैं, इससे आपको मिसकैरेज हो सकता है। तो हर सब्जी ऐसी नहीं होती है कि वो मिसकैरेज ही करे। कुछ कुछ सब्जियां ऐसी होती हैं जो हमारी बॉडी के लिए भी सही नहीं होती हैं, तो हमें उनको भी अवॉइड करना है, उनको भी हमें नहीं खाना है। तो आज मैं आपको उन्हीं सब्जियों के बारे में बताऊंगी जो माँ के लिए सही नहीं होती। तो फ्रेंड्स, चलते हैं टॉपिक की तरफ। तो नंबर एक होता है गवार फली। फ्रेंड्स, गवार फली बहुत ही हेल्दी सब्जी मानी जाती है, बट यह प्रेग्नेंट लेडी के लिए सेफ नहीं होती है, क्योंकि गवार फली बाधी करती है, इसलिए यह सही नहीं होती है। क्योंकि अगर प्रेग्नेंट लेडी इसको खाती है तो उसकी बॉडी में बहुत ज़्यादा पेन रहेगा, और प्रेगनेंसी के दौरान पेन और हल्के फीवर अगर आपको होता है तो ये आपके लिए सही नहीं होता है। क्योंकि प्रेगनेंसी के टाइम पर हम मेडिसिन नहीं ले सकते हैं, ना तो हम बॉडी पेन की मेडिसिन ले सकते हैं, ना ही फीवर की मेडिसिन ले सकते हैं। तो हमें गवार फली को प्रेगनेंसी के दौरान अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि ये बाधी करती है, बाधी की वजह से हमें बॉडी पेन रहेगा, तो हमें इसको नहीं खाना है। नंबर दो होता है सेम की फली। सेम की फली भी आपके लिए ना बहुत ही हेल्दी मानी जाती है, लेकिन प्रेगनेंसी में ये भी सही नहीं होती है, ये भी सेफ नहीं होती है, इसलिए इसको भी आपको अवॉइड करना है। और प्रेगनेंसी के टाइम पर बादी की चीज़ें खाना सेफ नहीं होता है, इसलिए आपको सेम फली को भी नहीं खाना है। नंबर तीन होता है लोबिया। लोबिया बहुत ही हेल्दी माना जाता है, इसके अंदर बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, बट यह प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए सेफ नहीं होता है, क्योंकि लोबिया भी बाधी करता है और इससे गैस की प्रॉब्लम भी होती है। तो हो सके आपको लोबिया को अपनी डाइट में ऐड नहीं करना है, उसको आपको अवॉइड करना है। नंबर चार होता है फ्रेंच बीन्स। फ्रेंच बीन्स को भी आपको प्रेगनेंसी के दौरान नहीं खाना है, यह बहुत ही हेल्दी होती है, और हम हर चीज़ में जैसे पुलाव, दलिया, खिचड़ी, हर चीज़ में फ्रेंच बीन्स को ऐड करते हैं, लेकिन आप प्रेग्नेंट हैं तो आप इसे अवॉइड करें, इसे ना खाएं। क्योंकि कोई भी फली जिसके अंदर बीज निकलता है, हमको प्रेगनेंसी के टाइम पर उसको अवॉइड करना है, उसको नहीं खाना है, क्योंकि ये सब ना बाधी करती हैं, और अगर ये बाधी करती हैं तो ये म्यूकस पैदा होता है, ये म्यूकस जनरेट करती हैं, जिसकी वजह से सर्वाइगल का मुंह नहीं खुलता है 9 मंथ में। ये सब बहुत ही अच्छे होते हैं, खाने में बहुत ही हेल्दी माने जाते हैं, लेकिन प्रेगनेंसी के टाइम पर ये सब सेफ नहीं होते हैं, खासकर उस टाइम पर जब आप दो जिंदगी एक साथ होते हैं, माँ और बच्चा। इस टाइम पर आप इस कंडीशन में नहीं होते हैं कि आप बादी की चीज़ों को डाइजेस्ट कर सकें, आपको प्रेगनेंसी के टाइम पर ऐसी चीज़ें ही खानी है जो ज़्यादा बादी न करें। नंबर पाँच होता है बैंगन। बैंगन को भी आपको प्रेगनेंसी के टाइम पर अवॉइड करना है, क्योंकि बैंगन भी बादी करता है। अगर आप बैंगन खाओगे तो आपकी बॉडी में पेन हो जाता है और आपको नाभि में भी दर्द रहेगा। बैंगन खाने से आपके बच्चे को भी बहुत दर्द होता है। जब आपका बच्चा पेट के अंदर मूवमेंट करने लग जाता है, तो अगर उस टाइम पर आप बैंगन खाते हो तो वो बैंगन बच्चे को भी बाधी करता है, और वो आपका बच्चा है वो भी पेन में रहेगा। आप नोटिस करोगे कि जब
आप 7 मंथ या 8 मंथ प्रेग्नेंट हो और आप बैंगन खा लेते हो, तो नाइट के समय में आपका बच्चा बहुत ज़्यादा ही उछल कूद करने लग जाता है, वो आपको नाइट के अंदर सोने नहीं देगा, क्योंकि बैंगन आपके बच्चे की बॉडी में दर्द करता है। जबकि लोबिया फली सेम फली सब होती हैं, वो आपकी हड्डी में बाधी करती हैं, आपकी बोन मेरो में भी बाधी करती हैं, आपकी स्वेलिंग लिगमेंट में भी आनी शुरू हो जाती है। अगर लिगमेंट में स्वेलिंग आ जाती है तो सर्वाइकल का मुंह नहीं खुलता है, और अगर आपको नॉर्मल बेबी चाहिए, आपको नॉर्मल डिलीवरी चाहिए, तो आपके फ्लेक्सिबल बोन होने चाहिए, आपका लिगमेंट बहुत ही स्मूथ होना चाहिए, तभी जाकर आपकी नॉर्मल डिलीवरी की कंडीशन बनती है। नंबर 6 होता है कच्चा अंडा। आपको प्रेगनेंसी के टाइम पर कच्चे अंडे को अवॉइड करना है। ऐसी चीज़ें जो जैसे कच्चा अंडा, हाफ फ्राई, हाफ बॉइल्ड एग आपको अपनी प्रेगनेंसी के टाइम पर नहीं खाना है, क्योंकि इनको खाने से बहुत जल्दी इन्फेक्शन का खतरा रहता है, इसीलिए आपको कच्चे अंडे को प्रेगनेंसी के टाइम पर अवॉइड करना है। नंबर 7 होता है कच्ची हरी पत्तेदार सब्जियां। फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी के टाइम पर कच्ची हरी पत्तेदार सब्जियां नहीं खानी चाहिए, क्योंकि इन्हें खाने से थायराइड का खतरा बढ़ जाता है, इसलिए आप पत्तेदार सब्जियां जैसे पालक इनको कच्चा ना खाएं। इनको आपको पानी के अंदर, आप पानी बॉईल कर लें, पानी जैसे बॉईल हो जाए तो आपको गैस ऑफ कर देनी है, और उसके अंदर आपको पालक को डिप करके रख देना है 5 मिनट। 5 मिनट के लिए आप उसको डिप करके रख दें, उसके बाद उसको निकाल कर आप कैसे भी खा सकते हो, किसी भी फॉर्म में आप उसे खा सकते हो। उसको कच्चा ना खाएं, उसको पानी के अंदर डिप करके 5 मिनट के लिए, आप बॉइल्ड पानी में, मतलब पानी में उसको उबालना भी नहीं है, बस पानी बॉइल्ड करके उसमें 5 मिनट के लिए रख दो, जिससे उसके पोषक तत्व भी नहीं मरेंगे और वो आपके लिए हानिकारक भी नहीं रहेगा। तो फ्रेंड्स, आपको हरी सब्जियां इसी तरह से खानी है, आपको उनको कच्चा नहीं खाना है, जिससे आपको थायराइड की प्रॉब्लम नहीं रहेगी। फ्रेंड्स, अगर प्रेगनेंसी के टाइम पर हम हरी कच्ची पत्तेदार सब्जियां खाते हैं, तो प्रेगनेंसी के बाद, हमारी डिलीवरी के बाद हमें थायराइड का खतरा बढ़ जाता है। तो फ्रेंड्स, आपको सब्जियां खानी है, लेकिन उनको थोड़ा पानी में ब्रंच करके आप उसको खा सकते हो। तो फ्रेंड्स, ये थे कुछ ऐसी सब्जियां, कुछ ऐसे फूड जिनको आपको प्रेगनेंसी के टाइम पर अवॉइड करना है, इनको आपको नहीं खाना है। ये खासकर माँ के लिए ज़्यादा हानिकारक होते हैं, इससे वैसा कोई डेंजर खतरा नहीं होता है, लेकिन उसकी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ही खतरनाक होते हैं। उसको पेन की प्रॉब्लम रहती है, उसको थायराइड की भी प्रॉब्लम आ सकती है। तो फ्रेंड्स, इनको आप प्रेगनेंसी के टाइम पर अवॉइड करें। तो अगर आज की मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना। मेरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।